मेरठ में एंटी ह्यूमन ट्रैफिक व थाना पुलिस ने मिलकर लगातार शहर में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने मौके से बड़ी संख्या में युवक युवतियों को हिरासत में लिया। अवेसम होटल है ये नाला रोड पे, इसमें करीब टोटल 32-32 कमरे का ये होटल है। नीचे ग्राउंड फ्लोर पे दुकान है, ऊपर 2 मंजिल में होटल चलता है। इसी में आज छापेमारी हुई थी, काफ़ी दिनों सूचना थी कि देह व्यापार के यहाँ पे कार्य हो रहा है, तो इसमें करीब 18 जोड़े मिले हैं। अभी की स्क्रूटनी भी की जा रही है, अगर उसमें कोई जेन्यून पैसेंजर हो सकता है कोई हो तो उनके अतिरिक्त जो देह व्यापार से संबंधित मैटर होंगे उनकी विरुद्ध जो है संबंधित होंगे कार्रवाई की जाएगी। अब ये इन्वेस्टिगेशन होगी तो सब चीज़ें सामने आएंगी। बिल्कुल इनके विरुद्ध भी जो है कार्रवाई की जाएगी, जो भी संबंधित धाराएं होंगी। होटल के भी कुछ कर्मचारी? हाँ हाँ, कर्मचारी हैं, तीन कर्मचारी होटल के ही मिले हैं। बाकी जो वो अलग हैं, जो लड़के और लड़कियां मिले हैं वो 3 कर्मचारी होटल के मिले, रिसेप्शनिस्ट वगैरह थे। अब ये जांच में आएगा ना, पूरा का पूरा जांच में चीज़ें और आ गई हैं, बातचीतें उनसे हो रही हैं, क्योंकि मौके पे समय कम मिल रहा है। इसमें उनसे पूछताछ करके कौन किस हिस्से से थे उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। और कुछ जेन्यून पैसेंजर ठहरे हुए थे उनको हमने छोड़ा है, हो सकता है उनमें भी कोई जेन्यून आदमी हो जिनकी ठीक पोजिशन में हो, तो उनके विरुद्ध जो है उसी हिसाब से कार्रवाई की, जो जिसका दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। केवल अब ये तीन आदमी यहाँ से गए हैं जो रिसेप्शन पे थे, और उनमें किस किस की भूमिका क्या क्या है उस हिसाब से। मिस्टर उमेश बताया गया है जी। मेरठ में भीड़ तंत्र कानून पर हावी है, लगातार भीड़ द्वारा युवक को पीटने के मामले सामने आ रहे हैं। 3 दिन के भीतर भीड़ द्वारा पिटाई करे जाने की आज तीसरी घटना मेरठ में सामने आई है, जहां छेड़छाड़ के आरोप में एक युवक को जमकर धुलाई की। ये ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र का मामला है। मवाना से बस में एक युवक आ रहा था और उस बस में एक लड़की भी बैठी हुई थी। जब वो बच्ची स्टेशन पर उतरी तो उसने अपने परिजनों से बताया कि बस में हमारे साथ छेड़छाड़ कर रहा था। परिजनों ने उसको पकड़ा है, मौके पर पुलिस को पहुंची है, पुलिस ने उसको अरेस्ट किया है, थाने लेकर आई है, लिखा पढ़ी करके अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। सर, एक वीडियो वायरल है जिसमें उस छेड़छाड़ का आरोपी की पिटाई हो रही है, कार्रवाई की जाएगी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आक्रोश में जब वो लड़की से बस में छेड़छाड़ कर रहा था, वहाँ जो लोग मौजूद थे परिजन, उन्होंने उसको पकड़ा और पुलिस को बुलाया। पुलिस मौके पर पहुंची है और अभी चूंकि तत्काल पहुंचे हैं, सीओ साहब स्वयं इस मामले को देख रहे हैं। जो भी विधिक कार्रवाई होगी उसमें दोनों पक्षों से जो न्याय संगत होगा किया जाएगा। मेरठ के प्रतापपुर पुलिस ने लकी ड्रॉ के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाली कंपनी का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से मुख्य आरोपी समेत 7 लोगों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। किस मामले को लेकर आप थाने आए हो? रवि के नाम में हमने लड़की, 10 है। तो फिर थाने क्यों आए हो आप? सभी लोगों ने 1000 रुपए महीने की कमेटी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू कुमार है। क्या पूरा मामला था? हमारे पास एक लकी ड्रॉ की स्कीम आई कृष्णा ग्रुप की तरफ से, इन्होंने कहा कि हम आपको 1000 रुपए महीना की कमेटी डालें 15 महीने के लिए, और हम आपको अगर कुछ नहीं निकलता लास्ट में कुछ पैसे या इनाम आपको दिया जाएगा। अब हमारे साथ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, और हमारा ना तो कोई पैसा मिल रहा है और ना ही किसी तरह। स्कीम किसने शुरू करी थी? क्या नाम था? कौन कौन लोग? पवन, अनुज। एक तो पवन नाम है, एक अनुज है, एक रवि है, और कुछ जने और भी हैं जिनका हमें नाम नहीं मालूम नहीं है। इनका ऑफिस कहाँ पे था और कितने दिनों से लगभग ये गैंग काम कर रहा था? इनका एजेंट था जो हमारे सीधा घर पे आके या हमारी दुकान पे आके हमसे पैसे ले जाता था। एजेंट का क्या नाम है? एजेंट का नाम है आपका पवन। पवन, अनुज और अनुज, ये 2 जने ऐसे थे जो हमारे पास ही आते थे सीधा। लगभग कितने लोगों का पैसा होगा, कितने लोग हो? इसमें हमारे जो मेंबर हैं सब, ये 5100 मेंबर हैं। 5100 मेंबर हैं। आप थाने आप लोग आए हैं, आप पुलिस क्या कह रही है इस पूरे मामले में? पुलिस ने जो कार्रवाई करते हुए कुछ मेंबर को पकड़ा गया है और उनसे ही कुछ जानकारी ली गई है जो हमें नहीं बताई जा रही, क्या कहा क्या नहीं कहा उन्होंने।
रामपुर के थाना शहजाद नगर क्षेत्र में ट्रेन की पटरी पर सिर कटा एक शव मिला। मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचना दी। परिजन मौके पर पहुंचे, डेड बॉडी को पहचान लिया। परिजनों का कहना है कि सुबह से दुकान के लिए निकला था, जिसमें उन्होंने अपनी तबीयत खराब बताई थी। पाल सिंह है। कहां रहते हैं? मैं रहता हूं रामलाल कॉलोनी सनवरिया रामपुर। थाना सिविल लाइंस। क्या हुई थी पूरी बात बताइए। बात ये हुई थी, दुकान पे गए थे वो। दुकान पे जाने के बाद करीब 3 से 3:15 बजे के बीच में जो है दुकान से आ गए, कह रहे मुझे कोई इमरजेंसी काम है। वहाँ से आने के बाद कुछ हल्का सा बुखार वगैरह भी हो रखा था, जो कि इन्होंने टैबलेट वगैरह खाई थी, उसके बाद तबीयत वगैरह ठीक हो गई थी। उसके बाद करीब 7:15 बजे करीब जो है वो बिना बताए घर से चले गए। घर वालों ने पता करा कहाँ जा रहे हो, कह रहे अभी नहीं 15-20 मिनट में आ रहा हूँ मैं। उसके बाद जी 15-20 मिनट देखा दाखा उन्होंने, उसके बाद कोई सुराग नहीं मिल पाया। फिर बच्चों ने परिवार ने इधर उधर देखा दाखा, तो उसके बाद ही पता, फिर करीब 12 बजे ये सजात नगर पुलिस से कुछ लोग आए, 4 लोग, जो कि उन्होंने बताया कि रे जी आपके कौन है, भाई वगैरह आएंगे। मैंने हाँ जी भाई हैं मेरे। तो उसके बाद फिर उन्होंने उसके बारे में बताया, कह रहा जी आपका भाई जो है वो जो है रेलवे लाइन पर सजात नगर पड़ा हुआ है, पड़ा मिला है हमें। तो हमने जी पूछा कैसे, ये तो ऐसा कुछ नहीं यहाँ पे। तो कह रहे नहीं जी जो है सजात नगर पे जो है किसी ने जो है मर्डर करके जो है उसे रेलवे लाइन पे फेंक दिया है। कितनी उम्र होगी उनकी? उनकी एज है करीब 37 के आसपास। आपके कौन थे? मेरे सगे भाई थे, बड़े भाई। मुरादाबाद के ब्लॉक दलपतपुर सभागार में कोर पीसीआई व पानी संस्थान के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य रूप से पोलियो व समय से टीकाकरण कराने पर चर्चा की गई। रॉबिन्सन है, कोर पीसीआई पानी संस्थान में मैं बीएमसी के पद पर हूँ, ब्लॉक मोबिलाइजर कोऑर्डिनेटर। यहाँ पे आज जो ब्लॉक सभागार मुंडा पड़ने में मीटिंग की गई थी, क्या मामला था पूरा बताइए। इसमें जो ब्लॉक सभागार में मीटिंग की गई थी, इसमें हमने ब्लॉक के जो हमारे इन्फ्लुएंसर हैं, जो गांव में इन्फ्लुएंसर हैं, प्रभावशाली व्यक्ति, उनको आज हमने सम्मानित किया था यहाँ पे एडीओ नरेश सर द्वारा, और MOIC थे यहाँ पे, और डॉक्टर मुमताज यहाँ पे आए थे, BPM प्रमोद कुमार जी आए थे, हमारे कोर PCI से DMC मोहम्मद शमीम और आरिफ साहब आए थे। इन लोगों के द्वारा जो जिले से आए थे, इन लोगों के द्वारा सभी प्रभावशाली व्यक्तियों को, प्रधान और डीलरों को हमने सम्मानित किया था, जो पोलियो और टीकाकरण में हमारा सहयोग करते हैं। और इनके हमने और सहयोग के लिए इनसे अपील करी थी कि आने वाले 15 तारीख को जो 15 सितंबर है उसमें पोलियो अभियान आने वाला है, उसमें हमें और सहयोग करें और टीकाकरण सत्र जो गांव में। देवरिया सहनाई उत्सव स्थली में संस्कार भारतीय बाल गोकुलम प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम 3 आयु के वर्ग में था। पहले चरण में 0 से 3 वर्षों के बच्चों ने कान्हा के रूप में सजकर मंच पर अपनी प्रस्तुति दी। ये छोटे छोटे बच्चों में बाल गोकुलम का रूप से कृष्ण भगवान का रूप धर के आने की ये प्रतियोगिता है, जो नवजात से लेकर 9 वर्ष तक बच्चों को किया जाता है 3 वर्गों में, और हर साल ये कृष्णाष्टमी के अवसर पर किया जाता है। हमारे छोटे बच्चे जो हैं अपने संस्कारों को समझें, कृष्ण भगवान आजकल पाश्चात्य संस्कृति बढ़ गई है, उसी को थोड़ा सा प्रभाव कम करने के लिए। मुरादाबाद के बिलारी तहसील के गांव नगरिया शाहपुर में विचित्र आकृति वाले भैंसे के बच्चे ने जन्म लिया। भैंस के इस बच्चे की नाक बिल्कुल बाल गणेश जी जैसी है। गणेश जी वाले इस बच्चे को लेकर ग्रामीणों में चर्चा फैल गई और लोग इस बछड़े के गणेश का रूप मानते हुए उसको सत्कार करने लगे। इतना ही नहीं, पूरे गांव के लोग भी श्रद्धा रखते हुए किसान के घर पर उमड़ आए। कहाँ से हैं? नंगलिया साहब। ये जो एक भैंस का बच्चा पैदा जो हुआ है, इसे आप किस धारणा के अंतर्गत मान रहे हैं? ये सब गांव वालों ने भी देखा था और हमने भी देखा था, तो गणेश जी के रूप में थोड़ा इसका वो आया। कैसे लग रहा है कि ये गणेश जी हैं? मतलब मुंह की तरफ से। तो क्या इस सूचना पर गांव वाले भी यहां पर आ रहे हैं? बहुत सुबह रात जो है 7:30 बजे से ही भीड़ लगी हुई है। अच्छा, देखने वाले आ रहे हैं या कोई पूजा पाठ करने वाले? नहीं, देखने वाले ही आए हैं। इसकी सूचना कोई प्रशासनिक के तौर पर किसी को दी गई है? नहीं, हमने तो नहीं, गाँव वालों ने दी हो तो। तो लगभग कल शाम से? कल शाम 7:30। कौन सा गांव है ये? ये नंगलिया साहिब। अच्छा, कौन से जिले में लगता है आपका? ये जिला मुरादाबाद, तहसील बिलारी। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में फर्जी नर्सिंग होम खुलेआम चल रहा है।
वहीं स्वास्थ्य विभाग की नाक के नीचे ये गोरख धंधा चल रहा है और जिला प्रशासन मौन है। हमसे अभी बात मत ना। अच्छा रुकिए, प्रभारी रुके बने, रुका भाई, प्रभारी आप हैं? प्रभारी हम हैं, अभी जा रहे हैं। आप प्रभारी हैं ना? एक मिनट खाली बता दीजिए, नर्सिंग होमों की बहार है। मैं झोला छाप का नोडल नहीं हूँ नर्सिंग होम का, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। ठीक है अभी मैं मान रहा हूँ। अभी अभी आकाश नर्सिंग होम में बच्चा तो बचा लेकिन जच्चा की मौत हो गई, और मौत के बाद उस महिला को जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया। जिला चिकित्सालय के डॉक्टरों ने कहा कि ये तो मरी डेड बॉडी है। पुनः वो लोग लेकर आकाश नर्सिंग होम पर पहुंचे, जहां सेटल हो रहा पैसे पर। क्या पैसे पर मौत का सौदा होता रहेगा और सीएमओ बलिया देखते रहेंगे? हमें कोई ऐसी जानकारी नहीं है, जानकारी मिलने पर हम उस पर कार्रवाई करेंगे। कितने हमारे यहाँ नर्सिंग होम रजिस्टर्ड हैं? वो हमारा स्टेनो बाबू बताएगा, ये भी किसी को जानकारी नहीं है। बाबू बताए, कागज के पन्नों में दबा है। क्या नाम है आपका? कहाँ है आपका? हमारा लालगंज का। क्या मामला है, क्यों अभी जिला अस्पताल में आप आए हैं? रेफर कर दिया है। कौन कहाँ से किस लिए गए आए हैं यहाँ? हॉस्पिटल का नाम निकला। अच्छा ठीक है। आकाश मतलब आपकी लड़की का बच्चा पैदा हुआ है? ऑपरेशन द्वारा। लड़की का ससुराल कहाँ है? बलेसरा। किस हॉस्पिटल में भर्ती थी कुछ पता है? हॉस्पिटल का नाम हनुमानगंज में है। आप बताइए उसमें क्या हुआ, क्या हुआ था ऑपरेशन के दौरान, क्या हुआ? ऑपरेशन द्वारा हम लोग देखा नहीं जानू, खत्म हो गए तो नहीं है जानू। बच्चा मर गया है? बच्चा तो है, बच्चा है। आपकी लड़की मर गई? लड़की मर, जच्चा मर गया। कहाँ है अभी? उत्तर प्रदेश के बलिया जिला नगरा के खनवर में खाके बाबा स्थान पर आयोजित हुए राष्ट्रीय दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 5 दर्जन से अधिक पुरुष महिला पहलवानों ने दिखाया अपना दमखम। अरे भैया इनके 1-47 के जवाब 1-56 12 बेर कर करता है। बहुत दिनों से होता आ रहा है, हम लोग पैदा हुए से पहले से यह हमारे खिदमत कराते आ रहे हैं। बहुत सुंदर, ये जरूर है कि जब से हम लोगों ने होश संभाला थोड़ा सा दंगल का रूप हम लोगों ने स्वरूप हम लोगों ने और बलिया जनपद के ग्राम सभा में ये आयोजन है, और इसमें स्तर के पहलवान आए हुए हैं, और जिनका आप देख रहे हैं केवल दिल्ली केसरी, पूर्वांचल केसरी, हरियाणा केसरी, ऐसे ऐसे केसरियों की कुछ महिलाएं भी आई हैं। काफी नेपाल से भी पहलवानों का आपने देखा कि नेपाल से पहलवान आए हुए हैं, उनका भी हुआ। कुछ तमाम हमारी महिला पहलवान है भी जिनके अभी अभी भी उनका सारे पहलवानों का जोड़ कराएगी। जनपद संभल के चंदोशी नगर के आजाद रोड पर सोमवार की दोपहर जूते के शोरूम में 3 मंजिला इमारत में गोदाम में भीषण आग लग गई। संभल जिले की दमकल के 7 नगर पालिका की टीम 6 घंटों की मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यमुना प्रसाद ने भी मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। प्रथम दृश्य शॉर्ट सर्किट के आग लगने का कारण बताया जा रहा है। घटना में भारी नुकसान होने की आशंका जताई गई। बस स्टैंड के पास में एक गुरुद्वारा है, इसी के समीप में एक जूते चप्पल की दुकान है जिसमें उन्होंने गोदाम भी बना रखा था। यहीं पे आग लगी हुई है जिसमें हमारी फायर टेंडर आई हुई है। जनपद से 3 फायर टेंडर और मुरादाबाद से 2 फायर टेंडर और बदायूं से भी 2 फायर टेंडर मंगाए गए हैं। अभी इसमें आग बुझाने का कार्य जारी हुई है। हमारे सारा पुलिस और सारा फायर का जितने लोग हैं वो सब लगे हुए हैं, और सभी लोग मेहनत करके और आम जनता भी यहाँ साथ में लगी हुई है, सभी लोग मेहनत करके इसको आग को बुझाया जा रहा है। किसी भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, केवल जो इसमें आर्थिक क्षति है उनके जूते चप्पल के गोदाम की दुकान की वो बाद में असर किया जाएगा। अभी फिलहाल तो सभी लोग लग करके प्रयासरत हैं जल्दी से जल्दी आग पर काबू पाने के लिए। कारणों को पता चल पाया अभी नहीं, अभी तो पहले का आग बुझाई जाए, फिर उसके बाद इसका फैसल द्वारा वो कराया जाएगा कि कैसे आग